हाल ही में हुए रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में राजनीति छिड़ गई है। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी बेंगलुरु विस्फोट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारी कोलकाता से हुई, जिससे पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी आमने सामने आ गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि बंगाल आतंकियों के लिए पनाहगाह बन गया है। वहीं टीएमसी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने बंगलुरु विस्फोट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में भाजपा नेता ने लिखा कि एनआईए ने रामेश्वरम कैफे के दो मुख्य संदिग्धों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है, जिनमें मुसाफिर हुसैन शासिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा शामिल है। दोनों ISIS के शिवमोगा या पश्चिम बंगाल सेल से जुड़े हो सकते हैं। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी के कार्यकाल में बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। भाजपा नेता के ट्वीट के कुछ ही देर बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि आरोपियों को बंगाल पुलिस की मदद से ही गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बंगलुरु विस्फोट मामले में बंगाल पुलिस ने अच्छा काम किया है। एनआईए ने भी बंगाल पुलिस की मदद को स्वीकारा है। किसी भी देश विरोधी ताकत को सख्ती से निपटाया जाएगा, लेकिन मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई? कांथी से। हम सब जानते हैं कि भाजपा के किस नेता और उनके परिवार का वहाँ दबदबा है और कोटाई से गैर कानूनी गतिविधियाँ चलाई जाती है। कांथी या कोटाई भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का क्षेत्र माना जाता है। टीएमसी नेता ने घटना की जांच की मांग की। बंगाल पुलिस ने भी भाजपा के आरोपों पर नाराजगी जताई है और बताया कि बंगाल पुलिस और एनआईए ने संयुक्त रूप से दोनों आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने कहा कि राज्य कभी भी आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं बन सकता और हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम करते रहेंगे। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे के दोनों आरोपियों को कोलकाता के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया।